वेलकम टू बानिक यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है वो होगा स्टार के ऊपर। जी हाँ, तारा के ऊपर। आप सभी ने देखा होगा तारा, तो उसके बारे में थोड़ा रोचक तथ्य मैं आपको बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको स्टार के बारे में बताऊंगा। देखिए, स्टार होने के लिए दो कैरेक्टर का होना बहुत जरूरी है। एक तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या होना चाहिए, खुद का लाइट होना चाहिए, और खुद का क्या होना चाहिए, आपका एनर्जी होना चाहिए। अगर कोई भी हेवनली बॉडीज या फिर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, आप लोग बोल सकते हो, स्पेस में जो बॉडीज होती हैं, जो प्रोडक्ट होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका हेवनली बॉडीज बोला जाता है। तो कोई भी हेवनली बॉडी क्या करती है, अगर आपका एनर्जी प्रोडक्शन कर पा रही है और इसका खुद का लाइट है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि आपका स्टार बोलेंगे। जैसे कि सन, सन क्या है, देखिए सन का भी खुद का क्या है, आपका लाइट है, खुद का क्या है, आपका एनर्जी है। तो सन क्या हो गया, सन भी आपका एक स्टार है। तो मैं आपको एक स्टार के बनने के प्रक्रिया से लेकर उसका अंत कहां होता है वहां आपको बताऊंगा। देखिए, स्टार्टिंग करते हैं। ब्रह्मांड में क्या होते हैं, बहुत सारे दूर दूर में क्या होते हैं, रेयर गैस होते हैं। बहुत दूर दूर क्या होते हैं, रेयर गैस सब होते हैं। वो रेयर गैस सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रह्मांड में दूर दूर है। तो पहला जो स्टेज होता है वो होता है आपका ब्रह्मांड में रेयर गैस का होना। दूसरे स्टेज में क्या होता है, देखिए वो जो रेयर गैस ब्रह्मांड में दूर दूर है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्यू टू द सेंट्रिपेटल फोर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब आती है। क्या होती हैं, एक दूसरे के करीब आती हैं, और करीब आने के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, यहां देखिएगा आपका नेबुला। देखिए पहला स्टेज में क्या होता है, तो पहला स्टेज में होता है आपका एक रेयर गैस। दूसरा स्टेज में क्या होता है, जो रेयर गैस ब्रह्मांड में बहुत दूर दूर है, ड्यू टू द सेंट्रिपिटल फोर्स एंड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होती है, एक दूसरे के करीब आती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका नेबुला। तीसरा स्टेप में क्या होता है, देखिए अब ये नेबुला क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को परफॉर्म करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है क्या, कि खुद का क्या करता है, आपका एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। जब ये नेबुला क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, तब जाके बन जाता है क्या, आपका एक प्रॉपर स्टार। यानी अब इसका क्या है, खुद का लाइट है, खुद का क्या है, आप लोग बोल सकते हो एनर्जी है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, स्टार बन चुका है। अब धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। कुछ सालों के बाद, मतलब कुछ करोड़ों सालों के बाद क्या होता है, ये जो स्टार था, स्टार का जो आउटर लेयर है, जो आउटर लेयर होता है वो क्या हो जाता है, आपका रेड कलर का एक बॉर्डर बन जाता है, और स्टार क्या होता है, साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, आपका रेड जायंट्स। ये स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है, ये मेनली होता है कब, जब क्या होता है, देखिए क्या हो रहा है, नॉर्मली स्टार में हाइड्रोजन एटम्स क्या कर रहे हैं, आपका हीलियम एटम में कन्वर्ट होती हैं, और उससे क्या होता है, आपका एनर्जी रिलीज होता है। तो जब रेड जायंट स्ट्रक्चर होता है तो उसमें आप लोग बोल सकते हो कि हमारा स्टार का 90% हाइड्रोजन क्या हो चुका है, आपका कन्वर्ट हो चुका है। किसमें, हीलियम में कन्वर्ट हो चुका है। अब उस स्टार के पास 10% आप लोग बोल सकते हो हाइड्रोजन बचा हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन पर आपका प्रोसेस को करने के लिए। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं आपका रेड जायंट्स। किस प्रकार से पता कर सकते हो, तो रेड जायंट्स का मतलब होगा उसका जो आउटर लेयर है, आउटर जो बॉर्डर है, वो आपका रेड कलर में हो जाएगा और स्टार क्या करेगा, थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा। समझ में आया, रेड जायंट्स। अच्छा, अब क्या होता है, रेड जायंट से दो चीजें होती हैं। क्या होगा, आपका दो चीजें होना स्टार्ट होगा। एक, अगर वो रेड जायंट्स का जो साइज है, यानी उसका अगर मास सन के मास से 1.4 टाइम्स कम होता है, क्या होगा, देखिए अगर उस रेड जायंट का मास आपका सन के मास से 1.4 टाइम्स कम होगा, तो वो रेड जायंट्स कन्वर्ट हो जाएगा कहां पे, वो रेड जायंट्स कन्वर्ट हो जाएगा आपका व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाइट ड्वार्फ मतलब आप लोग बोल सकते हो ऐसा स्टेज जहां पे आपका 95% हाइड्रोजन खत्म हो चुका है और उस स्टार के पास मात्र 5% आप लोग बोल सकते हो हाइड्रोजन बचा है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए।
और फाइनली क्या होता है, वो जो व्हाइट ड्वार्फ है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें आपका, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 100% हाइड्रोजन खत्म, स्टार आप बिल्कुल आपको दिखेगा नहीं। किसका होगा, रेड जायंट से, यानी जो स्टार का मास सन का मास से 1.4 टाइम से कम होगा वो क्या होता है, रेड जायंट से बनता है आपका व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ से बनता है क्या आपका, तो ये बन जाता है आपका ब्लैक ड्वार्फ। लेकिन जिस स्टार का मास सन का मास से 1.4 टाइम से ज्यादा होता है वो रेड जायंट क्या करेगा, अब कन्वर्ट हो जाएगा आपका सुपरनोवी और नोवी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जिसका कम हुआ वो कन्वर्ट हुआ व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ, जिसका सन का मास से 1.4 टाइम्स ज्यादा है वो कन्वर्ट हो जाता है, याद देखिएगा, आपका सुपरनोवी और नोवी में कन्वर्ट हो जाता है। सुपरनोवी और नोवी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन स्टार भी बोलते हैं। यानी अब ये जो सुपरनोवी या फिर जो नोवी है ये क्या करेगा, विस्फोट करेगा। जिस प्रकार से एक बैलून, बैलून का क्या होता है, एक लिमिट तक आपका फूलेगा, उसके बाद क्या करेगा, फटता है कि नहीं फटता है, उसी प्रकार से जो सुपरनोवी और नोवी है एक लिमिट तक फूलेगा उसके बाद क्या करता है, वो एक्सप्लोड करता है। क्योंकि ये सुपरनोवी और नोवी क्या करता है आपका, एक्सप्लोड करता है, इसीलिए याद रखिएगा ये सुपरनोवी और नोवी को हम लोग बोलते हैं आपका एक्सप्लोजन स्टार भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन स्टार भी बोलते हैं। और ये नोवी और सुपरनोवी क्या करेगा, एक्सप्लोड होके चारों में से किस चार ऑब्जेक्ट बना सकता है, चारों में से किसी एक को बनाएगा, क्या क्या बना सकता है, तो वो बना सकता है याद देखिएगा, या तो न्यूट्रॉन स्टार, या तो वो बनाएगा पल्सर, या तो बनाएगा वो आपका कैक्रस, और या तो वो बना देगा आपका क्या, तो वो बना देगा आपका ब्लैक होल। समझ में आया, तो ब्लैक होल का जो फॉर्मेशन होता है वो भी होता है याद देखिएगा आपका सुपरनोवी से ही होता है। क्लियर, ब्लैक होल के बारे में अगर आपको बताया जाए तो ब्लैक होल क्या है, आप लोग बोल सकते हो जो सुपरनोवी था, जो बड़ा स्ट्रक्चर था, उसका क्या है, एक कंप्रेस्ड फॉर्म है, एक कंप्रेस्ड फॉर्म होता है, और उस कंप्रेस्ड फोर्स में क्या होता है आपका जो लाइट है, लाइट पास नहीं कर सकता, क्या हो सकता है आपका, लाइट पास नहीं कर सकता। सिंपल सा एग्जांपल देके बता रहा हूं, देखिए सपोज ये एक क्या है, ये आपका एक हो गया सुपरनोवी, यानी अगर ये पूरा कंप्रेस्ड हो गया, ये क्या हो गया, पूरा कंप्रेस्ड हो गया, यानी ये बन गया क्या अभी आपका ब्लैक होल। आप सोचो सन का मास से 1.4 टाइम्स बड़ा एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कंप्रेस्ड होके ब्लैक होल बनेगा। मुझे बताइए अब यहां से लाइट पास करेगा क्या, यहां से अब क्या कर सकता है आपका जो लाइट है वो पास नहीं कर सकता, इसलिए बोला जाता है क्या कि ब्लैक होल से लाइट पास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये बन जाता है क्या आपका एक कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, किसका आपका, सुपरनोवी और नोवी का। और इसका जो वेट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। किस प्रकार से ज्यादा होता है, देखिए इसका जो मास होगा वो ज्यादा होगा, डेंसिटी जो होगा आपका ज्यादा होगा, किसका, ब्लैक होल का। लेकिन इसका क्या बोल सकते हो, जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, और इसका डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ही क्या होता है, इससे जो लाइट है ये पास नहीं कर सकता। समझ में आया, तो ये आपको बताया गया किसके बारे में, ब्लैक होल के बारे में बताया गया, और सारे स्टार के बारे में बताया गया। मैं आपको यहां पे बताया था सन का मास से 1.4 टाइम्स ज्यादा, 1.4 टाइम्स कम। ये जो 1.4 टाइम्स का वैल्यू है ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट चंद्रशेखर जी ने दिया था, और इसीलिए इसको बोला जाता है याद रखिएगा चंद्रशेखर लिमिट, और इसीलिए चंद्रशेखर जी को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। सो होप आज तक आप लोगों जो स्टार को लेकर बहुत सारा डाउट था वो क्या होता है यहां पे क्लियर होता है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे बानिक के YouTube चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।